पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा कोरापुट के सिमलीगुड़ा में 1 मिलीमीटर दर्ज की गई है। लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर झारसुगुड़ा का 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके बाद जीव डिग्री जो कि हिल स्टेशन है वहाँ एक एएमएफयू स्टेशन में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का 21.6 और कटक का 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। उसके अलावा दारिंगबाड़ी में 15.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें 24 आवर चेंज की तो कल के मुकाबले केंद्र में 1.6 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे गिरा है। मलकानगिरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस और गोपालपुर में 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा है तापमान कल के मुकाबले। भुवनेश्वर में 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे रहा है। कटक में 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज दिखा है 24 आवर चेंज। और अगर बात करें डिपार्चर की तो सामान्य से जो तापमान है अभी अनुगुल का 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। सुंदरगढ़ का 4.1 पॉजिटिव में है। सुंदरपुर और फुलवानी का 4.2 डिग्री सेल्सियस अभी भी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। भुवनेश्वर का 2.2 और कटक का 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है न्यूनतम तापमान ऊपर चल रहे हैं सामान्य से। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। आज रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा डे 2 से डे 7 तक 14 तारीख से 19 तारीख तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगले 5 दिन तक कोई भी वार्निंग नहीं है। तापमान की फोरकास्ट की बात करें तो अगले 2 दिन तक ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा बदलाव नहीं है। उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है फॉल करने की संभावना है उड़ीसा में ज़्यादा।